हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आज मैं एक डाइट वाला चिकन का रेसिपी बनाने वाली हूँ। आज नहीं, बनाने वाली हूँ कल, लेकिन आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत गिर रहा था। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं कुछ अच्छा होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। वैसे भी मैं आज रात को ज्यादा लेट नाइट करने वाली हूँ क्योंकि कल तो सिर्फ चिकन बनाना है और ये चिकन तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, 2 मिनट में नहीं, लेकिन ज्यादा मेहनत वाला चिकन ये है नहीं। इस रेसिपी का खासियत यही है कि इसमें ज्यादा ड्राई नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रहता है जो आप रोटी के साथ, राइस के साथ बहुत अच्छी तरह से खा सकते हो। जिन लोगों को थोड़ा सा ड्राई चिकन से प्रॉब्लम है वो लोग ये ज़रूर ट्राई करना। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है और उसके अंदर मैं 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच और 1 चम्मच एक्स्ट्रा जिंजर पेस्ट, उसके साथ 1/2 चम्मच हल्दी और उसके साथ मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच और नमक। मैं मैरिनेशन में नमक ऐड कर दूंगी, 1/4 मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है और मुझे तीखा खाना पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बड़ा साइज का मिर्च काट के मैरिनेशन में ही मिला दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी वे में इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए लाल मिर्च पाउडर नहीं लिया है। अगर आप चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसके अंदर 3 मीडियम साइज का प्याज, जो थोड़ा सा पतला पतला स्लाइस किया हुआ प्याज, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट आप रख दीजिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर बाहर में। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, जितना आपका प्याज स्लाइस में पतला होगा आपका ग्रेवी उतना टेस्टी होगा। अभी मैं प्रेशर कुकर को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच सरसों का तेल और वो गर्म होते ही मैं इसके अंदर 2 तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी और उसके साथ मैं छोटा 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 छोटा इलायची मैं ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर आप पेपरकॉर्न या फिर लौंग भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद ये थोड़ा सा इसका तेल जब गर्म हो जाए, अच्छा स्मेल निकल आए, तब ये चिकन को आप एकदम प्रेशर कुकर के अंदर डाल दीजिएगा। और इसके साथ मैंने 4 टमाटर लिया है, इसके अंदर 4 टमाटर मैं अभी डाल दूंगी। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स्ड करेंगे। मैरिनेशन में ही मैं नमक डाल दी थी इसलिए चिकन से भी और प्याज से भी पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया। अभी प्रेशर कुकर का लीड लेके इसके ऊपर सिर्फ मैं रख दूंगी, प्रेशर कुक्ड होने के लिए नहीं, सिर्फ स्टीम होने के लिए। इसके अंदर मैंने कोई लॉक नहीं किया है, मैं प्रेशर कुकर का सीटी उठाने के लिए इसमें कुछ नहीं की हूँ। गैस का फ्लेम मैं एकदम से लो करके रखी हूँ और ऐसे करके आप सिर्फ 10 मिनट रखिएगा। 10 मिनट बाद देखिएगा चिकन से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम में एक हल्का सा मिक्स्ड कर दीजिएगा और देखिएगा प्रेशर कुकर में जितना भी पानी है वो ये चिकन को बनाने के लिए, प्रेशर कुक करने के लिए एकदम से परफेक्ट है। अभी लीड लगा के 2 सीटी तक आप वेट कीजिएगा। अभी संग संग नहीं, 10 मिनट वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये लीड को ओपन कीजिएगा। ये मेरा तैयार हो गया एक परफेक्ट चिकन करी। मेरे पास ना धनिया पत्ता नहीं था इसलिए मैं इसके अंदर धनिया पत्ता ऐड नहीं की हूँ। आप ये स्टेज में
थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपका ये चिकन का टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। बस ये रेसिपी आपने देख लिया है, अभी घर में जरूर इसको ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरा कुछ डाइट वाला यूनिक वाला रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय।